बॉडी है पूरे बॉडी में कहीं पे भी नॉर्मल होता है, सिर्फ आपके सोल्स और पाम्स होते हैं, यानी कि ये पार्ट और पैर के नीचे का पार्ट जिसमें एक्चुअली बाल नहीं होते। हाय, आई एम डॉक्टर तनुश्री पांडे और आज हम बात करेंगे अबाउट हेयर ऑन योर बॉडी, कहाँ नॉर्मल होता है कहाँ नहीं नॉर्मल होता। फेशियल है, सो एज वी नो कि मेल्स में इट्स वेरी नॉर्मल कि उनको मुस्टैश आती है, बियर्ड आती है, वैसे ही फीमेल्स में भी फेस पे हेयर होना एकदम नॉर्मल है। अब किसी किसी का ज़्यादा दिखता है, किसी का कम दिखता है, डिपेंडिंग ऑन यू नो योर स्किन कलर, योर हेयर कलर। बट इसके बारे में पर्टर्ब्ड होना या फिर चिंता करना कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं है। अराउंड एडोलेसेंस, यानी कि जिस जब आपके पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं, उसके एक या दो साल पहले से आपका हेयर ग्रोथ सडनली बढ़ेगा, पूरे बॉडी में बढ़ता है, उसी तरह आपके फेस में भी बढ़ता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर हाँ, अगर आपके 3 साल 4 साल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ का पैटर्न रहा है, अब वो सडनली एस्केलेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा कोर्स यानी कि एकदम थिक डेंस क्वांटिटी में बढ़ गए हैं, वैसे होने लगते हैं, तो मे बी आपको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, एंड्रोजन एक्सेस हो रहा है, या फिर ये अर्ली सिम्टम्स ऑफ सर्टन अदर सिंड्रोम्स इन योर बॉडी हो सकते हैं, तब आपको एक बार यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, बट अदरवाइज इट्स नॉर्मल। सो मेल्स पे तो हेयर होते ही हैं, करेक्ट, लाइक मुस्टैश या बियर्ड। अब सम मैन हैव बहुत ही डेंस एकदम, दे हैव लाइक अ बिग बियर्ड, लंबी बियर्ड, और किसी किसी मेन का, मेल्स का ये भी प्रॉब्लम होता है कि बियर्ड आ ही नहीं रही है। सो अगेन, जस्ट लाइक आई सेड दैट इट्स अ वेरी हार्मोनल थिंग, करेक्ट, सो द एंड्रोजन, द टेस्टोस्टेरोन, दे प्ले अ लॉट ऑफ रोल। अदर देन दैट, योर जेनेटिक्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल, सो आपको उसके बारे में भी कोई शाय फील करने की जरूरत नहीं है। विथ और विदाउट अ बियर्ड यू आर ऑसम ओनली, सो रिलैक्स। हेयर अराउंड योर ब्रेस्ट, आपके निप्पल, आपके एरियोला के अराउंड जो छोटे बाल आते हैं, जो बाल कभी कभी किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, तो आप ये समझ लो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे मेल्स के चेस्ट हेयर होते हैं, वैसे ही फीमेल्स के ब्रेस्ट हेयर होते हैं, हेयर इन योर अंडर आर्म्स, और जिसको हम आर्मपिट्स बोलते हैं। सो आई थिंक ये बायलाज हमें पता होता है कि नॉर्मल है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स, फीमेल्स हैव बीन टोल्ड कि भाई अंडर आर्म्स तो एकदम वो जो हमने एडवर्टाइजमेंट्स में देखे हैं, एब्सोल्युटली वाइट विदाउट एनी डिस्कलरेशन, विदाउट एनी हेयर, स्पॉटलेस, ऐसे नहीं होता है। सबके बाल होते हैं और उसके बारे में आपको बिल्कुल अशेम फील करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हटाना है या रखना है वो आपका डिसीजन। नाउ कमिंग टू हेयर ऑन योर स्टमक या फिर हेयर ऑन योर बैक, तो ये भी एकदम नॉर्मल है। इफ़ यू सी एवोल्यूशन, यू विल रियलाइज कि कैसे हम, हाउ अ मैन और अ ह्यूमन बींग इवॉल्व्ड, एंड जो एक चेस्ट हेयर या फिर एक स्टमक हेयर और बैक हेयर है, वो एक कंटिन्यूएशन है, विच इज सॉर्ट ऑफ इज लाइक अ रिमाइंडर दैट हम उसी एनिमल किंगडम को बिलोंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो जस्ट लाइक दैट, किसी के चेस्ट पे ज़्यादा बाल होंगे, किसी के पेट पे ज़्यादा बाल हो सकते हैं, किसी के बैक पे ज़्यादा बाल हो सकते हैं। अब इसको रखना है नहीं रखना, ये आपका चॉइस है, एंड कैसे हटाना है, इफ यू डिसाइडेड कि अभी मुझे नहीं चाहिए। सो ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सिंग करोगे तो कम बाल आएंगे या फिर शेव करोगे तो ज़्यादा बाल आएंगे, इट्स योर चॉइस। एंड नाउ वी कम टू प्यूबिक हेयर। सो हमने एडोलेसेंस के टाइम पे, इफ यू समबडी हु इज गोइंग थ्रू योर टीनेज और यू वेंट थ्रू योर टीनेज, यू नो दैट वन फाइन डे यू सडनली रियलाइज दैट यू स्टार्टेड गेटिंग हेयर अराउंड योर वल्वा और अराउंड योर पीनस। सो स्टेजिंग, एंड ये होना चाहिए, दिस इज जस्ट नॉट नॉर्मल, इट इज एसेंशियल, बिकॉज इफ यू डोंट हैव हेयर अराउंड योर प्यूबिक एरिया, देन मे बी देयर समथिंग टू वरी। ऑल्सो वैन यू हैव प्यूबिक हेयर, स्पेशली फॉर वल्वा ओनर्स, इट्स लाइक अ कर्टन, इट प्रोटेक्ट्स यू। सो वॉट डज इट डू द हेयर अराउंड योर प्यूबिक एरिया, वो कोई भी इन्फेक्शन को या फिर कोई भी बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है। सो इफ़ यू आस्क मी, द बेस्ट वे टू कीप इट इज जस्ट ट्रिम इट। आप बेबी सीजर्स या फिर हेयर ट्रिमिंग सीजर्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ प्योर प्रेशर, वन थिंग दैट वी एंड अप डूइंग इज बिकिनी वैक्स, एंड ये आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, किसी भी वेल रेड पर्सन से पूछेंगे तो वो आपको मना ही करेगा। देर इज नो टू वे अबाउट इट, देर इज नो मे बी इज गुड और मे बी इज बैड और योर पर्सनल चॉइस। इट इज़ बैड, इट इज़ डेट्रीमेंटल, बिकॉज
योर प्यूबिक एरिया और योर वल्वा इज अ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल ऑर्गन जिसमें जो स्किन है वो बहुत पतला होता है. एंड आप कितना भी केयर लो, आपकी ब्यूटिशियन कितना भी केयर ले, ऑल द वैक्स दैट इज बीइंग यूज्ड देयर, ऑल द यू नो द स्ट्रिप्स, द हेयर, द फिंगर्स गोइंग इन अगेन एंड अगेन टू वैक्स इज जस्ट गोइंग टू कॉज पेन, जस्ट गोइंग टू कॉज इन्फेक्शन. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट या तो आप ट्रिम कर लो, लाइक आई सेड सबसे कन्वीनियंट, सबसे हैसल फ्री एंड द बेस्ट ऑप्शन. बट इफ यू आर लाइक कि नहीं मुझे बिल्कुल भी बाल नहीं चाहिए, देन यू यूज अ रेजर, सिंपल शेव करो उसको, ठीक है. एंड उसके अलावा ऑफकोर्स लाइक आई सेड लेजर इज एन ऑप्शन, बट प्लीज वैक्स मत कराओ, वो पेन भी कॉज करेगा, वो आपके पैसे भी खर्च करेगा और आपको इन्फेक्शन भी देगा. कमिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ योर, यू नो हाउ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट ऑर्गन्स, the other part which you might be unsure of, conscious of, is your anus. And you must have noticed hair there, and that is normal. Now if it's discomforting, if it is causing you irritation, you can shave it or get rid of it just how you do with your pubic hair or trim it. So I hope you found this video helpful. So जहाँ पे भी आपका skin होता है, skin has certain sweat glands के साथ होते हैं hair follicles, और वहाँ से अलग अलग type के hair grow होते हैं depending on कि आप male हो या female हो. उसके अलावा आपके hormonal status क्या है, also hereditary. So अगर आपके mother या फिर आपके you know घर पे किसी को tendency है to get a lot of hair at some place, तो हो सकता है आपको भी हो. और अब आपको पता है कि जिधर भी बाल हैं और जैसे भी हैं और जिस भी क्वांटिटी में हैं वो नॉर्मल है. सडन चेंज हो रहा है, सडन डिस्कलरेशन हो रहा है, वो अब नॉर्मल है. उसके लिए यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर.